इवनिंग मामा। खाना आपकी पसंद का लाया मामा। सब कुछ है मामा इसके अंदर जो आप खाती हैं। हाँ मामा, जी शॉल क्यों उतार दी? आपकी तबीयत ठीक नहीं है मामा, ये शॉल मत उतारा करो, ठंड लग जाएगी मामा। मुझे ठीक करने दो, शॉल मत उतारना मामा। हाँ शॉल मत उतारना, समझ गई ना मामा आप? ये मामा चाय नहीं अभी तक आपने भी, ठंडी हो गई मामा चाय बड़ी बड़ी। नहीं अब रहने दो, मैं गर्म करके लाता हूँ। अरे मामा आपके इंजेक्शन का टाइम हो गया, मैं भी आपको इंजेक्शन देता हूँ। हाँ अभी इंजेक्शन देता हूँ। कितनी बार कहा मामा अपना ख्याल रखा करो, तबीयत ठीक नहीं रहती है तुम्हारी। अब बढ़ गया ना टेम्परेचर भी? हाँ? ऐसे मत किया करो मामा, अपनी तबीयत का ध्यान रखा करो बस। हाँ You know, I'm worried, worried. I'm worried, Mama. Oh, sorry. Mama, madam, don't worry. Thoda sa dard hoga, Mama. Huh? Thoda sa. Dard ho raha na, Mama? Don't worry. मामा दर्द हुआ ना? मामा तुम्हारे सिवा मेरा कौन है? कोई भी नहीं ना। अगर तुम्हें कुछ हो गया तो मैं अकेला रह जाएगा मामा, तुम्हारा जोसेफ अकेला रह जाएगा मामा। तुम्हारा जोसेफ बहुत अकेला है मामा, बहुत अकेला है तुम्हारा जोसेफ। अपने जो सबका ध्यान रखेगी ना? हाँ तो चिंता मत करना, मैं तेरा ध्यान रखूंगा, मैं हूं ना मामा। मामा मामा हर्षा आ गई, मैं देखता हूं, मैं देखता हूं। मामा हर्षा बहुत अच्छी लड़की है, वेरी ब्यूटीफुल। डोंट वरी मामा, डोंट वरी। अपनी चीकी बरसात होगी। हेलो, तो क्या हाल है मिस्टर जोसेफ डिकोस्टा? किसी का इंतजार हो रहा है? करो करो इंतजार करो, लेकिन कम से कम मुस्कुराया भी करो, दिन में कम से कम 10 बार, नो 10 बार नहीं, लकी सेवन। 7 तारीख को हर्षा ने ऑफिस ज्वाइन किया था, आज 7 दिन हो गए और आज 7 बजे मैंने हर्षा को घर बुलाया। हर्षा आएगी ना? हाँ आएगी सर। कैसे बुला लिया? तुम्हें अच्छी तरह याद है ना हर्षा कि बॉस ने तुम्हें घर ही पे बुलाया है। तुम लोग क्या बातें कर रहे हो, मेरी तो कुछ भी समझ में नहीं आ रहा। समझ तो
हमें भी नहीं आ रहा है कुछ। पर तुम कह रही हो तो सोच में तो हम भी पड़ गए। आखिर क्यों बुलाया है बॉस ने तुम्हें घर पर? सुना है उसकी माँ भी है घर पर शायद। हाँ, उन्हीं से तो मिलाने बुलाया है। देखो रंजन, कोई ऐसी वैसी बात तो नहीं? नहीं नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। तुम होकर तो आओ, फिर देखते हैं। चलो। मेरी भी अच्छी लड़की है, मम्मा को पसंद है। फिनार्शा तो बहुत खूबसूरत है, मेरी से भी ज्यादा। तभी तो मेरी आंखें उसकी आंखों की ठीक सामने रहेंगी। मेरी, खाने में स्वीट डिश जरूर बनाना, ओके? मेरी ये टेबल मैट्स गंदे क्यों हैं? ये टेबल मैट्स उठाकर यहां पर टेबल क्लॉथ बिछाओ। देखो ना मम्मा, ये मेरी सब गड़बड़ कर देगी। राजेश, आज मेरे बॉस मिस्टर डिकोस्टा ने मुझे घर पे बुलाया है, तुम चलोगे मेरे साथ क्या? क्यों नहीं, कोई ऐसी वैसी बात नहीं है, लेकिन तुम चलते तो ठीक रहता। देखो दीदी, मेरा कहीं और प्रोग्राम फिक्स्ड है, मेरे दोस्त लोग मेरे लिए इंतजार कर रहे होंगे। दरअसल वो वहाँ अकेले जाने में मुझे कुछ डर सा लग रहा है, और फिर शीला और रंजन की बातें सुनकर दिल और भी घबरा रहा है। डर क्यों, सब ठीक ठाक तो है ना? ओके, मैं अपना प्रोग्राम कैंसिल करता हूँ। नहीं नहीं, तुम अपना प्रोग्राम कैंसिल मत करो। हाँ, लेकिन मुझे पिकअप करने जरूर आ जाना। तुम बोलो कितने बजे आऊँ? 9 बजे। ओके दीदी, आई विल कम देयर शार्प एट 9। सी यू।
जलते हुए रेगिस्तान की तरह कितना प्यासा हूं मैं किसी के प्यार का, किसी के कोमल हाथों का स्पर्श महसूस करना चाहता हूं, अपनी आंखों पर, अपने बालों पर, अपने पूरे शरीर पर। मां को कैसे समझाऊं मैं, सहारा देता है ये पियानो, अकेलेपन का एहसास नहीं होने देता। कितनी लड़कियां रिजेक्ट कर चुके आज तक मालूम है? मामा प्लीज इस बार कोई गड़बड़ मत करना, बहुत अच्छी लड़की है वो, तुम सुन रही हो ना, मुझे बहुत अच्छी लगती है हर्षा। मामा नींद आ गई क्या? सो जाओ मामा, सो जाओ। मेरी खाना बहुत बढ़िया बनना चाहिए। हाँ ऐसा ना हो तो उसको अच्छा ना लगे। आज मुझे जिंदगी में पहली बार कुछ फैसला करने का मौका मिला है। लगता है आज को बहुत ही इम्पोर्टेंट मेहमान आ रहा है जो तुमने मुझे अब तक नहीं बताया। तुम्हें तो पता चल ही जाएगा ना। लगता है कुछ स्पेशली मेहमान है। तुम भी तो स्पेशल हो। चलो हट, तुम्हें तो हर समय शरार सोचती है। Now get ready fast. उसके आने का टाइम हो गया है। तुमने क्या माजी को बताया कि कोई मेहमान आ रहा है? कभी ऐसा हुआ है कि मैं मम्मा को ना बताऊं? आखिरी फैसला तो मम्मा को ही करना है ना? क्या मुस्कुराती है वो, खूबसूरत होंठ, मोती जैसे दांत। ला 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 मेरी, ये क्या किया तुमने? गिलास क्यों तोड़ा? जानबूझ के तोड़ा है। जानबूझ कर तोड़ा?
यार मैट मैट पागल हो गई हो तुम? हाँ गो गो किचन में जाओ जाओ। नहीं जाती मैं। क्या हुक्म दिया था तुमने मुझे? मेरी खाना बढ़िया बनाना, यही कहा था ना तुमने मुझे? चिकन मटन स्वीट डिश, मैं समझी थी बुलाया होगा अपने दोस्तों को खाने पे, मगर ये तो कोई मेरी सौत आ रही है सौत। खूबसूरत होंठ, मोती जैसे दांत। शट अप शट अप, क्या उल्टा सीधा बोलती जा रही हो तुम? मुझे ये नाटक बिल्कुल पसंद नहीं। और जो कुछ तुमने मेरे साथ किया वो सब तुम्हें बहुत अच्छा लगता था? कोई दूसरी औरत इस घर में नहीं आ सकती, सुना तुमने? रिजेक्ट रिजेक्ट, मम्मा ने रिजेक्ट किया तुम्हें। बर्तन साफ करने वाली लड़की, खाना बनाने वाली लड़की इस घर की बहू नहीं बन सकती। मम्मा मम्मा मैं ठीक कह रहा हूँ ना? अरे क्या मामा कर रही हो? ठीक है अब माँ इस बात का फैसला करेगी। मैं अभी जाकर बुला के लाती हूँ। नहीं नहीं, मम्मा को परेशान मत करो। कोई जा सकता, तुम भी नहीं। मुझे बर्बाद करके तुम अब किसी और मासूम लड़की की इज्जत से खेलना चाहते हो? हंसता बनो। तुम समझते हो एक खूबसूरत लड़की तुम्हारे जैसे आदमी के साथ शादी करने को तैयार हो जाएगी? तुम जैसे बुड्ढे पागल के साथ। Thank you.
रुक क्यों गई? कुछ नहीं। बजाओ ना, ये मेरी फेवरेट धुन है। जी। मम्मा को भी बहुत पसंद है। मम्मा, तुम्हें पसंद है ना? मम्मा तुम्हें जरूर पसंद कर लेंगे। जी। कुछ नहीं, कुछ नहीं, चलो खाना खाते हैं। चलो आप। रसोई भी बहुत अच्छी है, सब कुछ एकदम ऑर्डर में है। ये स्वीट डिश नहीं ली तुमने? लो। थैंक यू। अभी लीजिए ना। हाँ, श्योर श्योर श्योर। मैं जाकर देखता हूँ। आपकी बातें मेरे को समझ में नहीं आ रही। मैंने तुम्हारा पसीना सुन लिया, बातें समझ आ गया। अब तुम मुझसे प्यार करने लगोगी, उसके बाद शादी। हाँ। क्या बकवास कर रहे हैं आप? मैं आपकी सेक्रेटरी हूँ बस, आपकी आधी उम्र की भी नहीं, और फिर मैं आपके बारे में जानती भी कितना हूँ? जान जाओगी, सब कुछ जान जाओगी। धीरे धीरे हटिए सामने से। तुम मुझसे नाराज होगी? तुम मुझसे नाराज होगी? क्यों क्यों नाराज होगी? तुम मुझसे नाराज नहीं होती? ए, पीठ करके नहीं जाती है, सब कुछ बिगड़ जाता है। हर्षा डार्लिंग, कहाँ सकती है? उस अलमारी में? नहीं, वो तो मेरी है। मैं तुम्हें इस तरह से नहीं जानूंगा।
उन लोगों ने ठीक नहीं किए मैं मम्मा तुम ठीक हो ना तुम्हें कोई चोट तो नहीं लगी ना मम्मा देखो मम्मा कि
कितने गंदे हैं ये सब लोग, हमारे सारे रूल्स तोड़ दिए। मेरी ही दोबारा जिंदा हो गई। तुम भी कमरे से बाहर आ गई, मुझे छोड़कर कभी मत जाना मम्मा, मैं अकेला रह जाऊंगा मम्मा, बिल्कुल अकेला। मम्मा मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ, आई लव यू मम्मा, मुझे कभी मत छोड़ना मेरे। Mama! Mama! Mama!